एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज की। देश में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड मौत हुई है। एक दिन में कोरोना से करीबन 2806 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही एक दिन में करीबन 832 लोगों की जान गई। दिल्ली में भी एक दिन में 350 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर, ये आंकड़े बता रहे हैं कि 24 घंटे में देश में फिर जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़े हैं, जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई वो ये कि 24 घंटे में देश में आए रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के केस। एक दिन में करीबन 3,54,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में करीबन एक दिन में 67,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। यूपी में भी 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट सुबह के इस बुलेटिन में आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि क्या है कोरोना का अपडेट देश भर में। देश में कोरोना हर दिन बेकाबू होता जा रहा है। जानलेवा वायरस संक्रमण के साथ मौत के मामलों में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। पहली बार एक दिन में देश भर में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही मौत के मामलों में भी अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मौत के मामलों में किलर कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में जानलेवा वायरस पहली बार 2800 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। एक दिन में देश भर में 3,54,533 लोग कोरोना संक्रमित मिले। देश भर में 24 घंटे में पहली बार कोरोना से 2806 लोगों की मौत हुई है, जबकि देश भर में एक्टिव केस का आंकड़ा 2800,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 2,18,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक देश भर में 1,95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश भर में अब तक 1,73,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों से कोरोना के 74% से ज्यादा केस रिपोर्ट आए हैं। लगातार बढ़ते कोरोना ग्राफ ने सबको हिलाकर रख दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।